बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है शिनमारी मटन कढ़ाही। इसके लिए मैंने दरमियानी आंच के ऊपर एक कढ़ाही रख ली है, जिसमें मैं डाल रही हूँ तेल 2 से 3 चम्मच खाने के, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 1-2 मिनट सौते करेंगे इसको। 1/2 किलो बकरे का गोश्त है, ये दस्ती वाला गोश्त है, जो आगे वाली टांग होती है ये थोड़ा जल्दी गल जाता है, तो कढ़ाई के लिए बहुत अच्छा रहता है। गोश्त को इतनी देर तक पकाएंगे कि उसकी रंगत तब्दील हो जाए। गोश्त ने अपनी रंगत तब्दील कर ली है। अब इसमें शामिल कर देंगे 3-4 बड़े साइज के टमाटर, जिनको मैंने छील के काट लिया है बड़े बड़े टुकड़ों में। अब कढ़ाई पे लगाएंगे ढक्कन और इसको थोड़ी देर धीमी आंच के ऊपर पकाएंगे कि ये टमाटर गल जाएं। तकरीबन 5 मिनट हो गए। टमाटर नरम हो गए, बस अब ऐसे ही चम्मच हिलाते हुए इन टमाटरों को इसमें मसल देंगे। काफ़ी सारे टमाटर हमने मसल लिए हैं, बाकी अभी थोड़ा मज़ीद ये पकेगा तो बाकी भी इसमें घुल जाएंगे और बहुत अच्छा सा इसमें कढ़ाई में मसाला बन जाएगा। अभी तक इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया है, ये गोश्त का अपना पानी है और कुछ टमाटरों का पानी है। अब इसमें हम मसाले शामिल कर देते हैं। बहुत ही कम मिर्चा से बनती है ये कढ़ाई, ये देख लीजिए मसाले। नमक हंस पे जायका है, कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच है, भुना और कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा 1 खाने का चम्मच है, बस यही 3 मसाले जाएंगे इसमें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ऐसे ही हिलाते हुए चम्मच के साथ इसको और टमाटरों को मसलते हुए इतनी देर तक पकाएंगे कि इसमें से तेल अलग से नज़र आने लग जाए हमें। ये देखें तेल अलग से नज़र आने लग गया। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ इतना कि ये गोश्त गल जाए। अब ढक के इसको धीमी आंच पे 15-20 मिनट पकाएंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारा गोश्त गल गया या नहीं। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। गोश्त को चेक कर लेते हैं, गोश्त गल गया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। अभी इसमें डाल देंगे 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, लंबाई के रूप पे 2 टुकड़ों में काट ली है। थोड़ा सा मैंने आंच को तेज़ किया है और ऐसे हिलाते हुए इसको अब इतनी देर तक पका लेंगे कि ये पानी खुश्क हो जाए। मसाला हमारा तैयार हो गया, बड़ा अच्छा सा तेल अलग से नज़र आने लग गया है कढ़ाई में और पानी खुश्क हो गया जो इसमें था। एक खाने के चम्मच के बराबर जूलियन कट अदरक, 1 खाने के चम्मच के बराबर ही सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, 1/2 शिनमारी मटन कढ़ाही तैयार हो गई है। चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़ा सा जूलियन कट अदरक और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। शिनमारी मटन कढ़ाही अब रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।